नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं न्यूज बिहार। आपने यह वीडियो देख लिया होगा, अभी बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। पहली नज़र में तो आपको भी यही लगेगा कि रेलवे स्टेशन पर कोई दो सड़क छाप गुंडे या टपोरी आपस में मार करने लगे हैं, लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि जो आपस में हाथापाई कर रहे थे और उसमें बीच बचाव भी किया जा रहा था, वो हाथापाई करने वाले कोई आम लोग नहीं थे, हमारे आपके माननीय थे, यानी सांसद और विधायक महोदय। भाजपा के सांसद निशिकांत दुबे और फिर कांग्रेस के विधायक प्रदीप यादव, इन दोनों में हाथापाई शुरू हो गई थी। दरअसल यह वीडियो तो बहुत तेजी से वायरल हुआ, हर कोई बस यही देख पाया कि यह वीडियो वायरल हो गया है और सांसद और विधायकों में मारपीट हो गई है। लेकिन किसी को यह नहीं पता है कि यह मारपीट हुई क्यों। बहुत सबूत इतना बता सकते हैं कि गोड्डा रेल लाइन के उद्घाटन के दौरान दोनों में बकझक हुई और मारपीट शुरू हो गई। लेकिन आपको हम बता दें कि इसकी बुनियाद, इसकी नींव कुछ दिनों पहले से ही पड़नी शुरू हो गई थी। सोशल मीडिया में शुरू हुई जंग हकीकत में आकर के रेलवे प्लेटफॉर्म पर खत्म हुई, जहां पर हाथापाई के साथ इसका अंजाम देखने को मिला। सोशल मीडिया में दरअसल भाजपा सांसद निशिकांत दुबे, जो गुड्डा के सांसद हैं, और कांग्रेस विधायक और झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी हेमंत सोरेन के पार्टी के अन्य नेताओं के बीच जुबानी जंग काफी लंबे समय से चल रही थी। दरअसल गोड्डा नवनिर्मित रेलवे स्टेशन पर आज हरी झंडी दिखानी थी केंद्रीय रेल मंत्री के द्वारा, यानी पीयूष गोयल के द्वारा। वो हरी झंडी दिखाते वहाँ पे हम सफर ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाना था, तो ये सब चीज़ कार्यक्रम पहले से तय था। विवाद कहाँ फंस रहा था कि उद्घाटन करेगा कौन, उस प्लेटफॉर्म पे जाएगा कौन, क्या मुख्यमंत्री के जिम्मे सब कुछ आएगा या स्टेशन पर मुख्यमंत्री की तरफ से कोई डेलीगेशन जाएगा या भाजपा सांसद निशिकांत दुबे जाएंगे, इन सब लेकर के विवाद लगातार चल रहा था। सोशल मीडिया में जितने ट्वीट्स पढ़ रहा था उसमें जुबानी जंग की सीमा पार हो रही थी। कुछ ट्वीट्स में पढ़ के बताऊंगा, लेकिन पहले आगे बता दूं कि यह मामला तय होते होते यह पहुंचा कि जो विधायक हैं वहां के प्रदीप यादव, उन्होंने एक आरोप लगाया था कि माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को निमंत्रण ही नहीं दिया गया है उस स्टेशन पर जाने के लिए, उस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, ताकि रेलवे स्टेशन का उद्घाटन हो सके, हम सफर एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई जा सके, इन सब मामलों को लेकर के। वाकई में ऐसा था नहीं। निशिकांत दुबे ने पीयूष गोयल का वह लेटर दिखा दिया जिसमें बहुत ही सम्मानित तरीके से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को निमंत्रण भेजा गया था कि आप आइए और उद्घाटन कीजिए, इसमें शामिल होइए। क्योंकि रांची से फिर हरी झंडी दिखाने की बात हुई, जब मामला तय हुआ तो हेमंत सोरेन रांची से हरी झंडी दिखाते, दिल्ली से रेल मंत्री पीयूष गोयल हरी झंडी दिखाते, लेकिन वाद विवाद का सिलसिला तो जारी ही था, तो नतीजा तो यह दिखने वाला ही था। अब कुछ ट्वीट्स में पढ़ के बताता हूँ कहाँ से यह पूरा खेल शुरू हुआ है। दरअसल यहाँ पे बाहरी बनाम झारखंडी की भी लड़ाई शुरू हो गई। यहाँ पे निशिकांत दुबे को बार बार धमकी और चेतावनी दी गई कि आप किसी भी सूरत में 8 तारीख को रेल लाइन के उद्घाटन में, हम सफर एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाने में शामिल नहीं हो सकते, इस कार्यक्रम में नहीं आ सकते हैं, आप बाहरी हैं, ये सारी बातें उन्हें कही गई थी। तो इसके जवाब में भी उन्होंने भी पलटवार किया, कई सारी बातें लिखी, वो सब मैं आपको अब बारी बारी से बता दूँ। डॉक्टर इरफान अंसारी जो जामतारा विधायक हैं, उन्होंने निशिकांत दुबे को टारगेट करके लिखना शुरू किया। उन्होंने सबसे पहले ट्वीट किया था, मधुपुर आएंगे तो गो बैक के नारे लगेंगे और आपको खदेड़ा जाएगा, हमारी सहन शक्ति का परीक्षा ना लें, आप किसी कीमत पर 8 को रेल लाइन का उद्घाटन नहीं कर पाएंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी अगर आपको बुलाते हैं तो आप आमंत्रित हैं, झारखंड हमारा है, झारखंड में रहना है तो लोगों का सम्मान करना सीखिए। ये चेतावनी किसको पड़ा, बीजेपी सांसद को पड़ा, निशिकांत दुबे को जो वहीं के सांसद हैं। इसके बाद इरफान अंसारी ने एक और ट्वीट किया, इरफान अंसारी ने लिखा, आदरणीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, मैं को कहना चाहता हूं कि गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे बाहरी हैं और उनका मन कुछ ज्यादा बढ़ा हुआ है, वह भूल चुके हैं कि अब झारखंड में रघुवर दास की सरकार नहीं है बल्कि हेमंत सोरेन जी की सरकार है। यह भी ट्वीट, यह सब ट्वीट तो भड़काऊ ट्वीट ही है जिस हिसाब से यह बातें कही जा रही थी। उसके बाद जाकर के निशिकांत दुबे ने इनको जवाब भी दिया। निशिकांत दुबे ने पहले जवाब दिया कि 7वीं शताब्दी तक भारत में कोई मुसलमान नहीं था विधायक जी, 1947 में भारत व पाकिस्तान का बंटवारा हिंदू व मुस्लिम के नाम पर हो गया, बाहरी तो आप हैं, आपको भगा देना चाहिए, कुछ ज्यादा ही चमचागिरी नहीं कर रहे हैं, वैसे फुरकान साहब के साथ चाय पीने आ रहा हूँ मधुपुर, आप रहते तो अच्छा रहेगा। निशिकांत दुबे ने भी पलटवार किया, इनके भी शब्द करे थे।
तो आपस में यह चीज पकनी तो शुरू हो गई थी कि जब नासूर बनेगा तो कहीं ना कहीं फटना ही है, यह चीजें हो गई। निशिकांत दुबे में, इरफान अंसारी में, प्रदीप यादव में यह बहस जो है लगातार खिलता रहा है, जिसके बाद जो दिखने को मिला ये आप नतीजा देख रहे हैं। सोशल मीडिया से शुरू हुई है जंग, निशिकांत दुबे वर्सेज इरफान अंसारी वर्सेज प्रदीप यादव वर्सेज झारखंड सरकार वर्सेज रेलवे मंत्रालय, यह जंग लगातार चलता रहा। जैसे ही वह दिन करीब आया जिसमें बार बार कहा जा रहा था कि निशिकांत दुबे को वहां जाने नहीं देना है, तो इसको लेकर के निशिकांत दुबे ने भी कमर कस ली थी। उन्होंने कहा था मैं आऊँगा, मैं उद्घाटन करूँगा, मैं देखता हूँ क्या होता है। और इस पर आपको इससे पहले जो एक जानकारी सामने आई थी कि इस कार्यक्रम में इस तरह का माहौल कायम ना हो, इसको लेकर के झारखंड सरकार पूरी कोशिश कर रही थी। उन्होंने कोविड नियम का हवाला देते हुए कहा था कि सिर्फ हरी झंडी दिखा देंगे, कार्यक्रम नहीं किया जाएगा। लेकिन बाद में यह तय हुआ कि कोविड नियमों का पालन करते हुए स्टेशन पर जाना है और जाकर के उद्घाटन कार्यक्रम में हिस्सा लेना है। तो इसमें परिवहन मंत्री जो झारखंड के हैं उनको हेमंत सोरेन ने अधिकृत किया कि आप जाइए, और कई अन्य लोगों का भी नाम उसमें था। निशिकांत दुबे कहते हैं कि अब कोरोना नहीं है क्या, अब कोविड नियमों में इस तरह की भीड़ लगेगी तो उसका उल्लंघन नहीं होगा, ये सारी बातें निशिकांत दुबे ने कही। उसके बाद जाकर के जो मैंने आपको तमाम वाद विवाद सुनाया है वो सारे वाद विवाद हुए। इन्हीं सब का यह नतीजा था कि इस वीडियो में आपने देखा कि प्रदीप यादव वर्सेज निशिकांत दुबे हो गया। ऐसा पहली बार नहीं है कि यह झारखंड में ही इस तरह की घटनाएं घटी हैं, दिल्ली में भी एक बार ऐसे ही हुआ था। क्योंकि अधिकार को लेकर के होता है, स्थानीय विधायक को लेकर के होता है, सांसद को लेकर के होता है, क्योंकि कार्य क्षेत्र दोनों का हो जाता है तो उसमें वाद विवाद हो जाता है। दिल्ली में एक बार मनोज तिवारी के साथ भी ऐसी घटना हुई थी, किसी फ्लाईओवर का उद्घाटन करना था तो वो वहाँ के स्थानीय सांसद थे, तो स्थानीय सांसद वर्सेज विधायक आम आदमी पार्टी के, वहाँ भी जंग छिड़ गई थी, वहाँ भी बवाल हो चुका था। लेकिन यहाँ तो पहले से तय था कि गोड्डा रेल लाइन पर निशिकांत दुबे को प्रवेश करने ही नहीं देना, अगर वो आएंगे तो इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया जाएगा। जो मैंने आपको ट्वीट्स बताए या ट्वीट्स आपको समझ लेने के लिए काफ़ी है कि वहाँ पे जनसेवक जो हैं अपनी निहित स्वार्थ जो होते हैं उसको साधने के लिए, उसको सिद्ध करने के लिए किसी भी हद तक जा रहे हैं। आम जनता से उन्हें कोई मतलब नहीं होता है। रेलवे स्टेशन पर एक ट्रेन को हरी झंडी दिखाने के लिए इतना बड़ा बड़ा बवाल क्रिएट कर देना, सोशल मीडिया पर हिंदू मुसलमान बाहरी वर्सेज भीतर के लोग लोकल लोग, इन सब मुद्दों को उठा करके पूरा राजनीतिक रायता फैलाया गया, जिसका नतीजा आज आपको 8 अप्रैल को गोड्डा रेल लाइन पर ट्रेन के उद्घाटन माफ कीजिएगा हरी झंडी दिखाने के क्रम में आपको नजर आ गया। तो ये चीज असली बात कि कैसे निशिकांत दुबे और प्रवीण यादव में हाथापाई शुरू हो गई, वायरल वीडियो का यही सच था, यही वजह थी। और अगर ऐसा चलता रहेगा तो आए दिन आपको कहीं ना कहीं माननीय वर्सेज माननीय के मारपीट की घटनाएं दिखती रहेंगी। बिहार में भी इस तरह की घटनाएं तो होती रही हैं, इस बार के विधानसभा की कार्रवाई भी कोई भूल नहीं सकता है कि जिस शर्मनाक घटना को बिहार ने उस दिन देखा था वह भी भूलने योग्य तो नहीं है। किस तरह से विधायकों की पिटाई हुई या सदन के अंदर बदतमीजी की गई, यह सारी चीजें उन माननीयों के बीच हो रही है और वो माननीय कर रहे हैं जिनसे जनसेवा की इच्छा जताई जाती है, अपेक्षा की जाती है कि वो जनसेवक हैं जो हमारी सेवा करेंगे। लेकिन आपस में अगर कैट डॉग वाली फाइट करेंगे तो जनता को इंसाफ कैसे मिलेगा, उनके हक की लड़ाई कैसे हो पाएगी। इन्हीं तमाम मुद्दों के बीच आपके लिए भी ये सवाल छोड़ जाते हैं कि जब भी आप सांसद और विधायक चुनते हैं तो यह जरूर तय कर लें कि ऐसे लोग सामने ना आए जो जुबानी जंग करें और फिर हाथापाई करते रहें और इंसाफ जनता को नहीं मिल सके। न्यूज़ पीआर में मेरे तरफ से फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।